तो सीएम पद के जो है यहाँ दावेदार जो है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं। इसके बाद इस लिस्ट में जो अरुण साव यानी कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी इसमें शामिल है। इसके बाद अगर बात करें तो विष्णु देव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री भी सीएम पद के दावेदार हैं। वहीं इनके अलावा राम विचार नेताम पूर्व गृह मंत्री का नाम भी मुख्यमंत्री के चेहरों में शामिल है और ओपी चौधरी पूर्व आईएएस इनका भी नाम जो है मुख्यमंत्री पद के लिए शामिल किया गया है। वहीं इनके अलावा गोमती साय सांसद हैं और ये भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। और अगर पर्यवेक्षकों की बात करें तो श्री अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार और सर्वानंद सोनोवाल जो हैं राज्य के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जो इस पर बैठक करेंगे, मंथन करेंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री फेस तय हो सकेगा। तो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ये तीन पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जिनमें श्री अर्जुन मुंडा, श्री दुष्यंत कुमार और सर्वानंद सोनोवाल के नाम शामिल हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की लगातार जो है वो दावेदारी कई चेहरों को लेकर की जा रही है और इस पर किस पर मुहर लगेगी ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इस पर मंथन लगातार जारी है, छत्तीसगढ़ में इसको लेकर बैठक होनी है जिसके बाद ही कोई एक चेहरा तय हो सकेगा। तो श्री अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार, सर्वानंद सोनोवाल जो है तीन पर्यवेक्षक प्रदेश में तय किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, जो कि विधायकों के साथ बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश चंद्राकर स्टेट हेड जुड़ गए। अभी क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। जिस तरह से हम पहले ही कह रहे हैं कि सस्पेंस बरकरार है, आमतौर पे कार्यकर्ताओं के लिए, भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके लिए और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। लेकिन जिस तरह से मीटिंग का फैसला लिया गया है आलाकमान द्वारा, कल सुबह मीटिंग होनी है, सुबह की फ्लाइट से तीनों पर्यवेक्षक पहुँच रहे हैं, तो उन्होंने नामों का फैसला कर लिया है जिन नामों पर मुहर लगानी है। सिर्फ औपचारिकताएँ ही बाकी है कि अलग अलग जो है विधायकों से, विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें विधायकों से ये पूछा जाएगा कि इस नाम को हमने तय किया है, क्या आप इसमें सहमति दे रहे हैं या नहीं। तो जाहिर तौर पे सिर्फ औपचारिकताएं बन गई है और कौन है उस नाम में, कौन है ये तो सिर्फ आलाकमान को ही पता है कि उस नाम में किसका नाम होगा जो अगला जो सीएम छत्तीसगढ़ के लिए अंदर जो होगा। जी जी, जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं कब तक वो बैठक के लिए कल पहुंच सकते हैं? देखिए, सुबह वो रायपुर पहुंच रहे हैं, उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है और अलग अलग वन टू वन भी विधायकों से भेंट मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा विधायक दल की भी बैठक रखी गई है, तो देर शाम तक यही संभावना जताई जा रही है कि जो सीएम सहमति बनेगी, जिसके नाम पर आम सहमति बनाकर उसके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से सीएम पद को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर कयास और अटकलों का बाजार जो है वो काफ़ी गर्म है, काफ़ी समय से ये जब से वोटिंग मतगणना हुई है और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है तब से लेके अब तक कयासों का बाजार काफ़ी गर्म है। तो अलग अलग बातें लोगों द्वारा कही जा रही है, जिस तरह से अलग अलग लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा दावेदार सामने आ चुके हैं, मीडिया में कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, तो जाहिर तौर पे सिर्फ अटकलों और कयासों का बाजार यहाँ पर गर्म है। लेकिन जहाँ तक संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी जो बजट मैनेजमेंट में स्ट्रांग हो, जिनका बजट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वह अभी फिलहाल कर्ज में है और कर्ज को उबारने के लिए पहल जो कर सकता है ऐसा दावेदार भाजपा की उस सीएम के दौड़ में शामिल है। इसके अलावा आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर उसी नेता को तरजीह दी जाएगी जिनका काफ़ी जनाधार हो या फिर जो काफ़ी वोट लाने, भाजपा के पक्ष में वोट लाने की काबिल हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।